Hi guys, welcome to DB Spotlight. और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने DB Spotlight को इतना प्यार दिया और आपने हमारा काम जो है वो लाइक करा. Hey guys, welcome to DB Spotlight with me, Preeti Hoon. तो आज हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, चाय पियेंगे इन DB Spotlight. ये मुझे आप समझाएं कि IIT से होने की वजह से आपको क्या कुछ प्रेशर रहता है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप का तो झंडा गाड़ना ही गाड़ना है. बिल्कुल पीयर प्रेशर है. नौकरी छोड़ो, स्टार्टअप करो. So my name is Abhishek Ganguly. I head Puma India. मैं Puma मैं अब 9 साल से काम कर रहा हूँ. इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. इट इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग इंटरव्यू आई हैव एवर टेकन. या इज इट? पर पहले रोहन क्या होता है, यूजुअली नाइस गाइस लूज आउट, पर आपको तो स्वाति मिल गई. मतलब आपको लगा कि आप लकी थे या इट वाज बिकॉज़ ऑफ योर पर्सोना? मेबी आई एम नॉट दैट नॉट दैट नाइस. आई एम एग्जैक्टली. Well, you tell me about it. हमारे यहाँ तो मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं कोई बाथरूम भी जा रहा है तो फिर किसी अखबार को चाहिए होता है कि कोई बाथरूम कैसे आ? सनसनीखेज. How does running inspire you in your daily work? Well, running teaches you discipline, running teaches you how to remain focused, running teaches you to how to really look at a goal and break it up. Sir, ऐसे न्यूज़ थी कि सैंट्रो जल्दी वापस आ रही है, तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को DB Spotlight के माध्यम से बता दें प्लीज, ताकि एटलीस्ट उनको भी पता चले कि सैंट्रो एग्जैक्टली कब हिंदुस्तान में वापस. ये रिक्वेस्ट है कस्टमर्स की कि वो चाहते हैं कि सैंट्रो फिर आए. अगर जब सैंट्रो आएगी तो नए रूप में आएगी. मेरे दादाजी ने मुझे बोला था कि अगर पैसे बनाने हैं तो यू हैव टू गो अगेंस्ट द मार्केट. When there is excessive greed in the market, you have to sell. And when there is a fear in the market, जब सब डरे हुए हैं तभी खरीदना चाहिए. तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हमारी तीन फैसिलिटी है आपके लिए. फर्स्ट फेज जो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको पूरा SKD में लाना है और असेंबलिंग करनी है, उसमें भी इन्वेस्टेड अबाउट 120 करोड़. यू नो, ऐसा तो मैं बंगाली फैमिली से हूँ. हम बंगाली फैमिलीज में ना कोई बिजनेस नहीं करता. जब मैंने अपनी माँ को कहा जी मैं बिजनेस करने वाली हूँ, उन्होंने कहा सर्वनाश. उन्होंने कहा शौर्बोनाश. ओयो और ये सब जो प्लेयर्स हैं उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल पे अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी. मुझे लगता है कि एफर्ट काफी अच्छा किया और इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिन्होंने पैसे उठाए हैं उसमें इन्वेस्टर्स का भी पूरा हाथ है. उन्हीं इन्वेस्टर्स ने उनको बोला था कि आप पैसे और खर्च करो ताकि और पैसे आपको मिलेंगे. Really? Yes. पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप उनको मनी माइंडेड बना रहे हैं? पहले वो अपने गुड्स को बेचना नहीं चाहते थे, नाउ यू आर टेलिंग देम टू सेल इट ऑफ. या सो डोंट यू थिंक यू आर मेकिंग इंडियंस मनी माइंडेड? नो, एक्चुअली वो इसीलिए लगता है कि हम, क्योंकि हम बेच दे बढ़ाया था. बेच दे हमने कोई ऐसा कोई क्रिएट नहीं किया था. बेच दे एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, बट हम लोग डोनेट भी कर सकते हैं. अगर आप ओलेक्स पे आइए, आप बोलो कि मैं ओलेक्स पे आके बोलिए मेरे को ये सामान डोनेट करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट कॉल्स आएंगी लोगों की. व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू वर फ्लाइंग आउट ऑफ इंडिया? फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया. आई लिटरली गॉट द पासपोर्ट 10 डेज बिफोर इट. वाओ. जब पेटीएम की बात आएगी तो जैक मा सर का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता. तो उन्होंने, मुझे याद है आपकी फर्स्ट मीटिंग जब उनके साथ हुई थी, उन्होंने आपको कहा था कि ही हैज ओनली 20 मिनट्स फॉर यू. करेक्ट. एंड यू एंडेड अप स्पेंडिंग हाउ मच टाइम? 2 and a half hours. हाउ डिड दैट हैपन? एंड आपने उनसे 2.5 घंटे क्या बात करी? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनका भाई भी उनको पैसे नहीं देता. पैसे अगर आएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे. पर हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनी से लेने भी तो पैसे आसान नहीं है. आराम से आते क्यों नहीं आते? जब क्लेम इतने सारे पे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं भाई? जो सारे क्लेम्स पे हो रहे हैं पिछले साल, मेरे हिसाब से 100% तो नहीं होते हो. मेरे हिसाब से हर साल लाखों क्लेम पे हो रहे हैं. 100% कभी हो नहीं सकते, क्योंकि आधे तो फ्रॉड आए तो कौन बेचेगा? बंदा पहले ही मरा हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठ गया. जी हाँ, देखिए उम्र एक नंबर है हमारे लिए, क्योंकि हमें कभी लगा नहीं कि हम 25 साल गुजार चुके हैं इस कंपनी में. Why do you think I'm dating you? I want your money. So that's how it happened. And then he had no reason to.
अब तो पैसे भी लग गए, अब तो शादी करनी पड़ेगी. I do that. That smile is pretty obvious. मुझे मिलेंगे तो मैं भी ऐसे ही हंसूंगी. You want to see the photo of my wife? Yes. Yes, this is my wife. Oh, okay. And your son? How old is he? 3 years old. Oh. आपके कॉम्पिटिटर्स को आप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हम तक नहीं पहुंच सकते. कुछ भी नहीं. They should just shut their businesses down and focus on new ideas. पर आप हमेशा जो ये ओयो ओयो ये करते रहते हो, लगता है ओयो ही आपकी गर्लफ्रेंड है. बिल्कुल बिल्कुल. और and this is the most beautiful girlfriend I'll ever have. सर, आप जिस मार्जिन में जाएंगे आप मुझे भी लेके जाना, क्या पता मेरा नाम भी आ जाएगा इस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में. ओके, तो बाकी की बातें हैं, भागते भागते कर लेते हैं. चलो, लेट्स गो. Oh, not bad. Didn't expect. इसको ऐसे उठाना होता है और ऐसे देना होता है. अच्छा, नीचे लाना होता है इसको, तो ध्यान से धीरे धीरे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो झटका हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, बहुत हल्का है. वी आर डूइंग हरी मिर्च चाय नाउ और आप सिखाने वाले हैं मुझे. आपको पता है मुझे चाय बनानी नहीं आती. हंस रहे हैं यार, मम्मी इतनी खुश होगी मेरी आज. खुशी के आंसू मम्मी, दिस इज फॉर यू. इसको कहते हैं ब्रिज. तो ये ऐसे करके आप हाथ बनाइए, इसको कहते हैं ब्रिज. और इसके ऊपर ऐसे ये जो है, यू हैव टू मूव इट अराउंड. दूसरा जो ये आपका जो एल्बो है, दैट हैज टू मूव पैरेलल. So you have to hit the white ball and then it goes. Yes. अच्छा, लो ये अपने रूल्स आप बना लो, ठीक है? I think I should retire from playing this ball. Quick 5 questions पूछने वाला है. मेरे को परेशान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. Well, let's see. Let's see. Would you ditch your girlfriend for Kareena Kapoor? I think no. Which means you have a girlfriend. Oh. So he's a techie. He's a techie. Is that actually why? Pretty smart, good-looking techie. Okay. Guys, that's sort of a, you know, for all the girls who are watching this show, for them, I think Raghav, you said, yeah, he's a bachelor and he is the co-founder of Urban Club. So if at all you want to, you know, sort of. And he's 26. You know, 26 only. Yeah. Only, yeah. Yeah. I think 25. So, अभी spotlight का matrimonial काम भी हमने शुरू कर दिया है मेरे ख्याल से. Very nice. It's probably one of the very fun interview, like running in the Sibaji Park with you and coming to the home. Probably this is the first interview in home. ये मैंने इनको कहा था कि end में बोल देना. No, Preeti, you be the Delhi girl that you are. I am very much. The wonderful hostess that you are. And thank you very much for having me. Thank you for having us on the show. सबसे पहले तो आपको मुबारक और DB's Spotlight को भी बहुत मुबारक. I think इस तरह की interaction मैंने आज तक किसी भी channel के साथ और किसी भी media के साथ नहीं की है. इस तरह से जो open-ended हमने जो conversation किया है, जो बातचीत की है. Thank you so much. I think ये बड़ा मजा आया है बातचीत करने. Yeah, you had a good time. Thank you so much for having me here, and this was so much fun. One of the most fun interviews I've been. We had a very, very good chat with you. Thank you. I hope you do as well. Thank you. And thank you for being with us. Yeah. All right. Too. I had an amazing time. This was बहुत मजा आया बात करके. Yep. मुझे डीबी स्पॉटलाइट के बारे में पता है और यदि मैंने अभी बता दिया डीबी स्पॉटलाइट के, तो शायद वो सब जगह पर पूरा फैल जाएगा. डीबी स्पॉटलाइट काफी फेमस है आज की डेट में सोशल मीडिया में. काफी साल बाद हम यही इंटरव्यू करें और आप डिफरेंस देख पाए. I think it's time to wrap up this amazing interview, जिसमें पहली बार मेरा मन नहीं कर रहा है ये इंटरव्यू रैप अप करने का. I'm totally inspired and I'm sure so you are. This is Preeti Hoon signing off. Bye bye. अगर आपको ये शो पसंद आता है तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, प्लीज़ शेयर इट ऑन फेसबुक एंड लाइक अस एंड गिव ऑल योर लव टू अस लाइक ऑलवेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग DB Spotlight विद मी, Preeti Hoon. Bye.